वन कितने प्रकार के होते हैं और वे कहाँ पाए जाते हैं? वन कहाँ पाए जाते हैं? इस सवाल का उत्तर जटिल है, क्योंकि हजारों साल पहले वन लगभग पूरी पृथ्वी पर जहाँ कहीं मिट्टी, सूरज की रोशनी और वर्षा होती हो वहाँ व्याप्त थे। अतः ध्रुवीय प्रदेशों, ऊंचे बर्फीले पर्वतों, रेतीले या चट्टानी प्रदेशों और कम वर्षा वाले रेगिस्तानों को छोड़कर पूरी धरती वनों से ढकी थी। जब से मनुष्य खेती करने लगा और वह गांवों व शहरों में रहने लगा, तब से वनों की कटाई शुरू हो गई। जो इलाके खेती, खदान, बगान, उद्योग आदि के लिए उपयुक्त थे, वहां तेजी से वनों का सफाया हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत तक वन उन्हीं इलाकों में बचे रहे जो खेती लायक नहीं थे, जैसे पहाड़ी, पथरीले, दलदली इलाके। ये इलाके रहने लायक नहीं थे या आबादी के क्षेत्रों से दूर थे। वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। वनों की सघनता के आधार पर, उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों के आधार पर या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर। वनों की सघनता के आधार पर वनों को इन श्रेणियों में बांटा जाता है: बहुत घने वन, घने वन, खुले झाड़ी वन, विकृत वन आदि। प्रशासनिक वर्गीकरण। वन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर वनों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन शासकीय वन है, जहाँ न कोई पेड़ काट सकता है, न जानवर चरा सकता है, न घरेलू उपयोग के लिए वनोपज ले सकता है। हमारे देश के 54.4% वन इसके अंतर्गत आते हैं। रक्षित वन, इस प्रकार के वनों में पशुओं को चराने, घास काटने, जलाऊ लकड़ी बिनने, लघु वनोपज इकट्ठा करने की सुविधा दी है। हमारे देश के 29.2% वन इसके अंतर्गत आते हैं। अवर्गीकृत वन, इनमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की छूट दी जाती है। भारत में 16.4% वन इस प्रकार के हैं। वनों को उनमें पाए जाने वाले पेड़ों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। किस तरह के पेड़ कहाँ प्राकृतिक रूप से उगेंगे, यह वहाँ के तापमान, वर्षा और मौसम के चक्र से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए चीड़ और देवदार जैसे कोणधारी पेड़ केवल बहुत ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ बर्फ भी बहुत गिरता है और साल भर नमी रहती है। ये पेड़ साल भर हरे रहते हैं। यदि साल भर नमी रहे मगर तापमान ठंडा न होकर गर्म रहे, तो वहाँ दूसरी तरह के पेड़ होंगे। ये फलदार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं, जो साल भर हरे रहते हैं, लेकिन गर्म प्रदेश जहाँ वर्षा कुछ ही महीने होती है, वहाँ सागौन जैसे पेड़ होते हैं। गर्मी के महीनों में इनके पत्ते झड़ जाते हैं और बारिश में फिर से आ जाते हैं। अतः वनों का वर्गीकरण वहाँ की जलवायु और उगने वाले पेड़ों के आधार पर भी किया जाता है। इस आधार पर भारत में वनों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है।